सूर्या का माइंडसेट था कल बहुत ही ज्यादा ब्रॉड। भैया सूर्य कुमार यादव के नाम दर्ज हो गया एक शर्मनाक रिकॉर्ड। हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू स्पोर्ट्स नेस्ट, मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पांडे। देखिए कल टीम इंडिया ने 6 विकेट से मुकाबले को अपने नाम कर लिया। 100 रन बनाते बनाते टीम इंडिया के धागे खोल दिए न्यूजीलैंड ने। भले ही टीम इंडिया जीत गई हो लेकिन 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 पिच का जो मदद है वो सबको मिली, चाहे वो न्यूजीलैंड की बारी हो चाहे वो इंडिया की बारी हो। भैया इतनी खराब पिच तो हमारे यहाँ जो उत्तराखंड की रोड्स है ना वो भी ज्यादा सही होंगी, इतनी खराब पिच। पिच के बारे में खैर आराम से बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सूर्य कुमार यादव की यहाँ पे बात कर लेते हैं। सूर्य कुमार यादव ने अच्छी खासी 26 रन की पारी खेली, हालांकि आउट हो जाते, याद होगा आपको आउट हो जाते, हालांकि वॉशिंगटन सुंदर ने अपना विकेट उनके लिए सैक्रिफाइस कर दिया था और एक बड़ा अच्छा जेस्चर हमें सुंदर की तरफ से देखने को मिला। उनको पता था सूर्य कुमार यादव T20 के प्लेयर है तो इनका टिके रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जानते हैं वो 100 रन 300 रन के बराबर लग रहे थे क्योंकि पिच ने इतना मंठाधार कर दिया था। तो सूर्य कुमार यादव ने कल 26 रन बनाए लेकिन एक शर्मनाक रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। आप सोच रहे होंगे क्या शर्मनाक रिकॉर्ड है, भैया इतना अच्छा खासा खेला है, नाबाद नॉट आउट रहे हैं। सूर्य कुमार यादव की पहली छोटी सी साझेदारी हमें वॉशिंगटन सुंदर के साथ देखने को मिली, उसके बाद छोटी सी साझेदारी हमें उनकी हार्दिक पांड्या के साथ देखने को मिली। तो ऑल इन ऑल सूर्य कुमार यादव टिके रहे और उन्होंने बता दिया क्यों वो T20 के नंबर 1 प्लेयर है, क्यों ICC की तरफ से उनको मिस्टर क्रिकेटर का अवार्ड मिला है T20 में। लाजवाब वो पारी थी और जिस तरीके से गेंदबाजों का एक साथ दिया सूर्य ने, क्योंकि गेंदबाजों ने तो अपना काम कर लिया था लेकिन बैटिंग में सूर्य कुमार यादव ने गेंदबाजों का जो एक जो प्रदर्शन था उसको व्यर्थ जाने नहीं दिया। लेकिन चलिए बिना घुमाते फिराते हम शोर, आप भी ये चीज नहीं सुनना चाहते होंगे, आप सुनना चाहते होंगे कि कौन सा शर्मनाक रिकॉर्ड है जो सूर्य कुमार यादव ने बनाया है। तो वो शर्मनाक रिकॉर्ड है कि सूर्या ने कल अपने T20 करियर की सबसे ज्यादा धीमी पारी खेली है, यानी 31 बॉल्स में उन्होंने मात्र 26 रन बनाए। और आप जानते हैं सूर्य कुमार यादव अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स मारते हैं, रुकते नहीं है, हर जगह मारते हैं, लेट लेट के मारते हैं, गिर गिर के मारते हैं, चौड़ चौड़ में मारते हैं, आराम से मारते हैं, धीमे मारते हैं, हर जगह से मारते हैं, पूरा 360 ग्राउंड को कवर करते हैं, लेकिन कल हमें ऐसा देखने को नहीं मिला। अब वो पिच की गलती है या और सिचुएशंस की गलती है, बट हमें कल सूर्य कुमार यादव के बल्ले से बहुत ही ज्यादा धीमी पारी देखने को मिली। तो आई एम श्योर ये रिकॉर्ड जो है सूर्य कुमार यादव मिटाना चाहेंगे क्योंकि उनके नाम इतने अच्छे खासे रिकॉर्ड्स है और एक शर्मनाक रिकॉर्ड ये भी उनके नाम दर्ज हो गया है कि उनकी T20 करियर की सबसे धीमी पारी उन्होंने कल खेली। लेकिन टीम इंडिया को जीत दिलाने में सूर्य कुमार यादव का वो आखिरी चौका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था। अब कमेंट्स के जरिए आप जरूर बताइए कि सूर्य की पारी आपको कैसी लगी और जिस तरीके से सूर्य ने कल परफॉर्म किया, टिके रहे, खड़े रहे, स्पिनर्स को कल विकेट मिल रहे थे, स्पिनर्स को अच्छे से खेला, उन्होंने रिवर्स स्वीप मार रहे थे ताकि स्पिन कंट्रोल कर पाए, तो सूर्य की पारी तो जबरदस्त थी। लेकिन साथ ही साथ इस शर्मनाक रिकॉर्ड के बारे में बताइए कि आपको ये पहले पता था कि मतलब ये ऐसा हुआ है या आपको इस वीडियो के बाद पता चला है। साथ ही साथ हमेशा की तरह अगर आपको ये वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को अपना प्यार दे दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और स्पोर्ट्स नेशनल को सब्सक्राइब करना उन्हें बोला आपने जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर दीजिए।